दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार। आप देख रहे हैं सीधे हमारे न्यूज़ के माध्यम से लाइव कवरेज पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठाकुर गांव सहार औरैया। यहां से आपको दिखाएंगे ज़िले के टॉपर स्टूडेंट हैं। यहां पर बच्चे जो हैं बहुत होशियार हैं, ज़िले में सर्वश्रेष्ठ नाम है स्कूल का। और जानते हैं आप वीडियो के माध्यम से लाइव देखेंगे स्कूल के बच्चे कितने होशियार हैं। छोटे छोटे से बच्चे ज़िले में प्रथम स्थान पे आते हैं। तो आज हम चलते हैं स्कूल के अंदर, पूरी दिखाते हैं यहाँ की तस्वीरें और लाइव इनका टैलेंट। हम आए हुए हैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठाकुर गांव, यानी कि जो औरैया डिस्ट्रिक्ट का स्कूल है, नंबर वन स्थान पे आता है, फर्स्ट पे आता है स्कूल। और यहाँ पर जो मास्टर साहब हैं वो जमील अहमद, वो प्रधानाध्यापक हैं, सहायक अध्यापक हैं मयूरेश कुमार और सुभाष चंद्र हैं सहायक अध्यापक। इनके द्वारा जो शिक्षा दी जाती है वो मास्टर साहब जो हैं यहाँ पर खड़े हैं मौजूद पे, मास्टर साहब हैं। और ये देख रहे हैं बच्चों की तस्वीरें और किया गया यहाँ लाइव। हमारे समय प्राइमरी स्कूल में पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठाकुर गाँव, जो ज़िले में सर्वश्रेष्ठ यहाँ पर बच्चे हैं, यहाँ पर पढ़ने में नंबर एक होशियार में बच्चे आते हैं। यहाँ पे जो जितनी बात बोली जाती है यहाँ पर मास्टरों द्वारा कि हमारे यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं वो बहुत टॉपर हैं, तो हम इस मुद्दे को लेकर के आए हुए हैं स्कूल पर और जानते हैं यहाँ के बच्चे रियल में कितने होशियार हैं। तो एक एक करके बच्चे से हम बात करते हैं। यहाँ पर बहुत बच्चे टैलेंटेड हैं, यानी कि पहाड़े उनको 20 तक पूरे कम्प्लीट, छोटे से बच्चे यानी कि जो हैं उनको 20 तक पहाड़े कम्प्लीट हैं। और उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जो राजधानियाँ हैं, भारत में कितनी राजधानियाँ हैं उनकी संख्या बताएंगे। सबसे पहले अपने बारे में इंट्रोड्यूट करेंगे बच्चे और उसके बाद में बताएंगे टोटल ज़िले में संख्या कितनी है। तो एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर हम वीडियो के माध्यम से। क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम साक्षी है। आपका नाम साक्षी है, कितने पढ़ती हो? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। ओके, तो आप ज़िलों के नाम पता है आपको? Yes. आपने उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? 75। टोटल 75 जिले। नाम पता है आपके जिलों के? हाँ। अच्छा, राजधानियाँ कितनी हैं? 28 राजधानियाँ। जिलों के नाम की संख्या पता है आपको? बताइए कितने जिले हैं टोटल आपने? 75। उनके नाम बताइए आप। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, बदियाम, बागपत, बैराज, बालिया, आजमगढ़, बलरामपुर, बादा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलंदशहर, चंदौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौसाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, संभल, सहारनपुर, संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, शाहजहाँपुर, सामदी, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। साक्षी ने नाम बताया, सभी लोग सही थे, नाम पीते एक बेटी लिए थोड़ी जोरदार तालियां बजा दो एक बार। बड़े गौरव की बात है कि इतनी छोटी सी जो लड़की है उसको अपने उत्तर प्रदेश के सारे जिलों की संख्या याद है और पूरे अपने काउंटी के द्वारा बताई 75 जिले, 75 जिलों के नाम याद है पूरे। और यहाँ के मास्टर साहब द्वारा इतनी अच्छी तैयारी की जाती है, बच्चों को सब कुछ पता है यहाँ के बारे में। और हम बात करते हैं राजधानियों के नाम पता है आपको? कितनी राजधानी है? 28 राजधानियों के भी नाम सुनाइए आप। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, दिसपुर, बिहार, पटना, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, उड़ीसा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, त्रिपुरा, अगरतला, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, छत्तीसगढ़, रायपुर, उत्तराखंड, देहरादून, झारखंड, रांची, तेलंगाना, हैदराबाद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। वेरी गुड, बच्चों जोरदार ताली बजा दो। अच्छा, दूसरे से पूछते हैं आप। तो आप देख रहे थे इस वीडियो के माध्यम से छोटी सी लड़की ने अपने 75 जिलों के नाम पूरे बताए और आप सुनेंगे दूसरी लड़की से, कोई रैंडमली कोई भी खड़ा करते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं, सबको पता है यहाँ पर एजुकेशन के बारे में। और हम इस समय दूसरी लड़की से पूछते हैं यहाँ के जिले और राजधानियाँ, यानी कि जीके लड़कों की बहुत अच्छी तरीके से एजुकेशन में बहुत मजबूत किए गए यहाँ के स्टूडेंट। तो हम बात करते हैं अब दूसरे बच्चे से, याद है तो हम बात करते हैं सीधे बच्चों से ही। तो हम पूछते हैं सबसे पहले इनका नाम। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम जीतू कुमार।
क्या नाम है आपका? सर मायने में जीतू कुमार। जीतू कुमार, तो जीतू कुमार जी बताइएगा आप कितने पढ़ते हो? सेवन में। सेवन में, तो सेवन में आपको उत्तर प्रदेश के जिले की संख्या पता है? यस। कितने हैं जिले? 75। 75, उनके नाम पता है आपको? यस। नाम बताइए आप काउंटिंग करके। आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, मक्के नगर, अमेठी, मरोहा, औरैया, आजमगढ़, गायू, बागपत, राज, बलिया, बलरामपुर, बाधा, बाधा बंकी, बरेली, बस्ती, बिजोर, बुलंद, चंदौली, चितपुर, देवरिया, इटा, इटावा, फिरोजाबाद, फरकाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोंडा, गोरखपुर, मीरपुर, हापुर, यात्रा, जालौन, जैनपुर, झांसी, कन्नौज, कानपुर, कानपुर, गौतम, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर, खीर, लखनऊ, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर दास, संतर विजा, दादरा, शाहजहांपुर, सीस्ती, सीतापुर, फोनवा, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चों, तालियां बजा दो जादव। के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो 75 जिलों की संख्या है उनके एक एक करके नाम सभी बताए हैं, तो ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। यहाँ पर आपको ये बताइए पहाड़े याद हैं? कितने तक पहाड़े याद हैं आपको? 20 तक। अच्छा ये बताइए 18 का पहाड़ा सुनाइएगा। 18 का 86। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो आप देख रहे हैं सीधे वीडियो के माध्यम से लोकहित न्यूज से आप जुड़े रहे, और आप लोगों को बता दूं यहाँ के स्कूल के जो यहाँ पर बच्चे हैं वो बहुत होशियार हैं, और यहाँ पर होशियार का कारण यही है कि इनके जो घंटे होते हैं हर एक घंटे में टीचर पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी अगर मैटर पूछना चाहेंगे तो आप कॉपी उठा के पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो बच्चे बहुत होशियार हैं, ये एक सराहनीय है। मास्टर साहब यहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो बहुत अच्छा है, और हम थोड़ी सी बात करते हैं मास्टर साहब से, आइए चलते हैं मास्टर साहब से। कोई भी बच्चे से यहाँ पर अगर पूछेंगे तो हर एक बच्चा बता देता है, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ में बच्चों से मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में। अब सबसे पहले यहाँ के मास्टर साहब से बात कर लेते हैं, यहाँ के जो प्रधानाध्यापक मास्टर साहब हैं उनसे बात करते हैं, पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठाकुर गाँव। तो हम आपसे बात सबसे पहले मास्टर साहब से बात कराते हैं आप लोगों की, सुनते हैं मास्टर साहब यहाँ बच्चे इतने होशियार होते जा रहे हैं, जिले में टॉपर जो स्थान आया है वो किस वजह से आया हुआ है। तो हम मास्टर साहब से बात करते हैं प्रधानाध्यापक जी से, ठाकुर गाँव जिला औरैया। मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय ठाकुर गांव सार औरैया इंचार्ज प्रधानाध्यापक। हमारे यहाँ की व्यवस्था जो है वो सबसे बेहतर है। विद्यालय 8:30 बजे 8:15 बजे खुलना, 9:30 से और 9 के बीच प्रार्थना होना, प्रार्थना में सभी बच्चे शामिल होना, प्रार्थना के बाद विद्यालय में अटेंडेंस लगना, प्रार्थना में ही अटेंडेंस भरी जाती है, सभी बच्चे में ही आते हैं, बगैर यूनिफार्म के कोई विद्यालय नहीं आता है। सभी बच्चों के पास हमारे यहाँ यूनिफार्म है, जूता, मोजा, बैग, सब व्यवस्थाएं हैं, और यहाँ की व्यवस्थाएं, हम जो है जीके करीब 400 क्वेश्चन जीके के लिखवाते हैं, 500 क्वेश्चन हमारे विज्ञान के हैं, वो हमारे बच्चे सभी को याद होंगे, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसको जीके याद ना हो, 200, 250, 300, 500 क्वेश्चन याद ना हो। और जो है होशियार बच्चे की क्लास अलग लगाते हैं, लोअर बच्चों की क्लास हमारे यहाँ अलग लगती है, लगभग एक एक सेक्शन में दो दो क्लास हैं। कंपटीशन करते हैं? हाँ, कंपटीशन बच्चों की करवाते हैं हर महीने, हर हफ्ते, हफ्ते में दो बार, हर महीने एक पेरेंट्स अभिभावक मीटिंग भी करते हैं। मीटिंग में जो हम पढ़ाते हैं एक महीने, वो बच्चों के सामने अभिभावक के सामने उसको पटल पर रखते हैं, अभिभावक से पूछते हैं आपका बच्चा ने एक महीने में कितना सीखा, और इसी से हमारे यहाँ छात्र संख्या सबसे अधिक होती है। बहुत अच्छी बात है, तो ये सबसे बड़ी बात मास्टर साहब ने बताई है जो आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से। ये बहुत अच्छी बड़ी बात है कि जो मास्टर साहब यहाँ पढ़ाते हैं वो अभिभावक को भी ये पूछते हैं, और जो संख्या देख रहे हैं यहाँ पर बहुत अच्छी संख्या स्कूल में है। तो यहाँ पर संख्या का एक स्टेज पूछा जाए तो ज़िले में जो स्थान सर्वश्रेष्ठ आता है तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हर महीने पेरेंट्स मीटिंग होती है इस स्कूल में, और जिस बच्चे को थोड़ा सा कमज़ोर देखा जाता है तो उसकी स्पेशल मास्टर साहब ट्रेनिंग देते हैं, और बच्चों को कंपटीशन में उसको बैठाते हैं अलग, उसको कैटेगरी में डिवाइड करके, और उसको स्पेशल कोर्स की ट्रेनिंग करवाते हैं।